गाइस, आई एम श्रद्धा एंड वेलकम इन श्रद्धा रेसिपीज। और आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ बहुत ही यम्मी रेसिपी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड जितना हो सके शेयर करें। एंड अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट जरूर करें मेरे कमेंट बॉक्स में। एंड सब्सक्रिप्शन ऑप्शन हमेशा वीडियो के एंड में आता है, तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ वेरी यम्मी चीज बर्गर। तो चलिए फिर देखते हैं, एकदम मैगी जैसा चीज बर्गर बनाने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले हमने आलू लिए, ये 5 मीडियम साइज के आलू थे जिसे बॉईल कर लिया है और इसको हम मैश करेंगे। ये हम आलू का बनाएंगे टिक्की। तो टिक्की का मिक्सचर बनाने के लिए सबसे पहले 5 मीडियम साइज के बॉइल्ड पोटैटोज लिए हैं और अच्छे से स्पून की हेल्प से हम इसे मैश कर देंगे। और मैश करने के बाद फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे तो अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी। तो ये देखिए हमारे जो आलू है वो अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चिकपीस। चिकपीस मतलब काला वाला चना या देसी चना भी जिसे बोलते हैं। इसे मैंने 5 घंटे भिगो के फिर ग्राइंड कर लिया है और ये रफली पेस्ट मैंने बनाया, बहुत ज्यादा स्मूथ पेस्ट नहीं रेडी किया है। तो मैं अब इन जो देसी चने की पेस्ट थी रफली, उससे मैं अच्छे से डाल के एक बार अगेन मैं मैश करूंगी पोटैटोज एंड चिक पीस पेस्ट को अच्छे से। जो चना होता है हेल्दी तो बहुत होता है, टेस्टी भी होता है, तो इसलिए मैंने आलू और चने की टिक्की बनाने की सोची। इसमें मैंने लिया मैगी मसाला और काली मिर्च थोड़ी सी टेस्ट के लिए। मैगी मसाला आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अभी इसमें डालूंगी जीरा पाउडर और ब्रेड क्रम्ब बनाने की जो रेसिपी है आप देख रहे हैं ऊपर, आई बटन क्लिक करके आप उसकी रेसिपी देख चेक कर सकते हैं घर पे कैसे बनानी है। तो ब्रेड क्रम्ब मिलाने के अच्छे से फिर हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मैश कर लेंगे। ब्रेड क्रम्ब इसलिए ऐड किया है ताकि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आए और जो आलू का मॉइस्चर है वो भी ब्रेड क्रम्ब अपने में एब्जॉर्ब कर ले। तो 2 छोटे चम्मच अब नमक डालेंगे और इसके बाद एक बार फिर से हाथों से मैश कर देंगे। हाथों से मिक्स करने का सबसे बेटर भी होता है, सब कुछ अच्छे से एकदम मिक्स हो जाता है। तो ये हमारा जो टिक्की के लिए मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब हम टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हाथों पे हम एक अच्छे अच्छे पोर्शंस लेंगे। अच्छे अच्छे पोर्शंस मतलब एक कितनी बड़ी साइज की आपको टिक्की बनानी है, सबसे पहली बात तो वो आप पे डिपेंड करता है। मैं जो बर्गर की टिक्की बना रही हूँ, मैगी स्टाइल बना रही हूँ, तो उसकी जो टिक्की भी है एकदम उस तरीके से थोड़ी सी ब्रॉड रहेगी। तो मैं थोड़ी सी मोटी टिक्की बना रही हूँ और इसकी चौड़ाई कितनी होगी सिंपल मेजरमेंट के लिए, बर्गर बन जो है वो मैंने बन लिया, वो बन के पिछले यानी जो लोअर साइड होती है और बैक साइड उस पर मैं रख के इस तरीके से पूरी टिक्की का शेप दे दूंगी। तो बर्गर बन से जो टिक्की का शेप हो थोड़ा छोटा होना चाहिए ताकि बर्गर के अंदर आ जाए, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है बन कितनी बड़ी आपको टिक्की बनानी है ये देखने के लिए। तो ये देख रहे हैं आप हमारी टिक्की जो एकदम परफेक्टली रेडी है, अच्छे से मोटी अच्छे से चौड़ी। तो अभी हम निकाल के इसे प्लेट पे रखेंगे और पहले इसी तरीके से मैं 4 बर्गर बना रही हूँ तो 4 बर्गर के लिए मैं 4 टिक्की इस तरीके से रेडी कर लूंगी पहले। तो सेम पैटर्न से टिक्की मैं बाकी की रेडी करूंगी जैसे ये वाली की थी उसको भी। अभी टिक्की मेरी रेडी हो चुकी है चारों और ऑयल को रख दिया हीट होने के लिए। ये कॉर्नफ्लोर मार्केट में हर ग्रोसरी स्टोर पे अवेलेबल है। पानी डाल के इसका घोल बनाएंगे, सेलरी यानी रेडी करेंगे। ब्रेड क्रम्ब है ये रोल करने के लिए टिक्की पर। तो ये देखिए घोल बना लिया है मैंने और अब इस पे अच्छे से डिप कर देंगे। जो अपनी टिक्की है एकदम बढ़िया से डिप करनी है और इसके बाद इस टिक्की को हम ब्रेड क्रम्ब पे डालेंगे और अच्छे से ब्रेड क्रम्ब को पूरी चारों तरफ से कवर कर देंगे टिक्की को ब्रेड क्रम्ब से। इससे क्या होता है जब हम इसे फ्राई करते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी एंड क्रंची टिक्की रेडी होती है, बिल्कुल मैगी या बाकी और रेस्टोरेंट की टेस्ट जैसी, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मैं डीप फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें अगर बहुत ज्यादा ऑयल नहीं चाहिए तो आप पैन फ्राई भी कर सकते हैं लेस ऑयल में। मैं डीप फ्राई इसलिए कर रही हूँ ताकि जो हमारी टिक्की है वो बहुत ही अच्छे से नाइस ब्राउन कलर की क्रंची एंड क्रिस्पी बने, जस्ट बिकॉज मैं ऑयल में डीप फ्राई कर रही हूँ। अदरवाइज आप पैन फ्राई भी कर सकते हो, उसमें भी टिक्की अच्छी बनती है। तो नाइस गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है मेरी टिक्की का और मेरी टिक्की रेडी है। तो मैं इसमें से पहले इस तरीके से करेंगे जो थोड़ा एक्सेस ऑयल होता है वो निकल जाएगा
और उसके बाद एक ऑयल सॉल्वेंट पेपर पे हम टिक्की को रखेंगे और उससे हम जो एक्सेस ऑयल और है उसे भी हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं टिक्की हमारी कितनी अच्छी है। सेम वे से मैं बाकी की टिक्की आप फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद फिर हम बर्गर रेडी करेंगे। तो टिक्की हमारी फ्राइड हो चुकी है। जैसा मैंने कहा मैं 4 लोगों के लिए बर्गर बना रही हूँ, तो उसके बन जो है उसको भी पहले कट कर लेंगे। नाइफ की हेल्प से इक्वल हाफ पार्ट में कट करेंगे एक बन को और इसी तरीके से चारों बन को हम कट करके रख देते हैं। और एंड ये हो गया। अभी मैं तवा पैन मैंने लिया है और बर्गर के फ्रंट एंड बैक दोनों साइड्स पे मैं मेल्टेड बटर ग्रीस कर रही हूँ और हल्का सा तवे पे रोस्ट कर लेंगे दोनों तरफ से, ताकि जो बर्गर का टेस्ट होता है थोड़ा अच्छा आता है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप ये प्रोसेस जो है स्किप कर सकते हैं, और जब आप चाहें तो तवे बर्गर बनाने के बाद तवे पे या माइक्रोवेव में, आपको वैसे भी थोड़ी देर रोस्ट करना ही पड़ेगा, तब आप इकट्ठी कर ले इसको, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। बट अगर करते हैं तो टेस्ट थोड़ा और बन का जो है वो थोड़ा अच्छा आएगा। तो ये देखिए हो गया है दोनों साइड पे, और बहुत ही कम मिनट के लिए रखना है, बहुत ज्यादा नहीं, हमें एकदम मक्खन वाला बन नहीं रेडी करना है, बर्गर के लिए करना है। तो ये हो गया, एक साइड का मेरा थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बाकियों पे ध्यान रखना है, बट आप ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए अब ये हो गए हैं, और अब मैंने पहले एक बर्गर अपना रेडी करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये मायो यानी मेयोनीज एंड केचप का सॉस है, 2 टेबलस्पून मेयोनीज एंड 1 टेबलस्पून ऑफ केचप, टोमेटो सॉस मिक्स कर दिया है, चीज स्लाइस, लेटस लीव, टमाटर और प्याज की स्लाइसेस हैं ये। तो अब चलिए बर्गर रेडी करते हैं। सबसे पहले जो नीचे का हिस्सा होता है बन का, उस पे मैं ये मेयोनीज और केचप वाला सॉस पूरा अच्छे से डाल के स्प्रेड कर दूंगी। मुझे ये सॉस बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे इतना पसंद है कि अगर मुझे खाना हो तो मैं ब्रेड पे, सिर्फ सिंपल ब्रेड पे भी इसे स्प्रेड करके खा लेती हूँ। तो ये घर पे बनाया हुआ है, जैसा मैंने बताया बहुत इजी बनाना है, इसमें बस फैमिली और केचप को मिक्स करना है। तो ये देखिए अच्छे से स्प्रेड कर दिया। अब लेटस लीव जो है वो हम सर्कुलर वे में इस पे फैला करके रख देंगे, तो इससे बर्गर टिकने में बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो ये देखिए अब ये हो गया। अभी इस पे जो हमारी टिक्की रेडी हुई है क्रिस्पी सी टेस्टी टेस्टी, वो हम टिक्की इस पे रखेंगे इस तरीके से, और इसके बाद इस पे भी थोड़ा सा मेयोनीज वाला सॉस जो है वो डालेंगे, बस जरा सा, 1 टीस्पून, एक छोटा चम्मच, ज्यादा नहीं। अभी इसके बाद जो चीज स्लाइस है, ये सिंपल प्लेन चीज स्लाइस है, आजकल तो बहुत से फ्लेवर में चीज स्लाइसेस भी आ रहे हैं, तो मैं सिंपल प्लेन चीज स्लाइस रखती हूँ। और अनियन जो प्याज काटे थे स्लाइसेस में, उसकी पूरी खड़ी स्लाइस नहीं रखेंगे, मुंह में जाएगा तो बहुत खराब लगता है, इसलिए स्लाइसेस के रिंग्स निकाल करके इस तरीके से रखेंगे तो खाने में अच्छा लगता है। इसके बाद टोमेटो यानी टमाटर के स्लाइसेस रख देंगे जितने भी आप चाहें, और इसके बाद हल्का सा नमक स्प्रिंकल करूंगी मैं इस पे, सादा नमक उस तरीके से। और उसके बाद इसकी जो फ्रंट कवर था बन का, उससे हम इसे ढक देंगे, और वेरी इजी वे में हमारा बर्गर जो है टेस्टी टेस्टी यम्मी रेडी है, दिखने में भी अच्छा, खाने में भी अच्छा। तो अब इसी तरीके से बाकी के बर्गर जो है मैं पहले रेडी कर लेती हूँ, फिर इसे हल्का सा तवा पे डालूंगी। मैंने माइक्रोवेव का यूज नहीं किया है, आप ट्राई तो कर सकते हैं। तो हल्का सा तवा पे डालेंगे ताकि इसका चीज जो है वो मेल्ट हो जाए, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। तो अभी मेरा बर्गर जो है रेडी है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, फटाफट से गर्मा गर्म बर्गर सर्व करिए और एंजॉय करिए फैमिली के साथ।